अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनवर। आप देख रहे हैं रॉयल किचन। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ बहुत ही फेमस हॉट मिल्क केक। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, मैदा लिया मैंने 2 कप। 2 कप इसमें चीनी डलेगी, 4 अंडे, 1 कप इसमें दूध का डलेगा, आधा कप ऑयल, 4 टेबलस्पून मक्खन के, फ्रेश मक्खन इसमें इस्तेमाल करेंगे, ब्लू बैंड वगैरह नहीं। वनीला पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून भर के लिया, 2 चुटकी इसमें नमक के डलेंगे और 2 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर के डलेंगे। अच्छा, ये सारा कुछ मैंने इस कप से नापा है, इसकी मेजरमेंट्स हम सब हर चीज़ की लेंगे। ये देखें, ये वाला कप जो होता है इसे बहुत अच्छी बेकिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। यही वाला कप आप लें या फिर एक साइज़ का कप लें, उसी से हर चीज़ नापें। सबसे पहले आप अंडे बीट कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी करके इसमें चीनी डालते जाएंगे साथ साथ। इसको हमने इतना बीट करना है कि ये हल्का सा फ्लफी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको बीट नहीं करना है। ओवन को मैंने चला दिया है। देखिए, चीनी तकरीबन सारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है और अंडे भी हल्के से फ्लफी हो गए हैं। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। अगर आपने कम बनाना हो तो इन्हीं चीज़ों को आप हाफ कर लें। बस अब मैं इसमें मैदा शामिल करूंगी थोड़ा थोड़ा करके, जितना सा एग बीटर से हो सके ऐसे करेंगे, बकाया फिर हम हाथ से कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएं और मिक्स करते जाएं। इसमें मैं साथ ही नमक और बेकिंग पाउडर भी डाल दूंगी। थोड़ा और, तकरीबन आधा जा चुका है इसमें। मैदे को मैंने छान लिया था। ये जो थोड़ा सा रह गया मैं ये भी डाल दूंगी और बिल्कुल इसको थोड़ा सा बस मिक्स करूंगी। ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे, एग बीटर से ज़रा अच्छा काम हो जाता है। वैसे आप हाथ से भी ये कर सकते हैं सब कुछ, एग बीटर से जल्दी हो जाएगा। बस मैंने इतना सा करना है कि गुठली ख़त्म हो जाए, बहुत ओवर बीट नहीं अब मैं करूँगी इसे। बस ये बीटर हमारा रेडी है। अब मैंने एक सॉसपैन में दूध डाल दिया जो 1 कप लिया था और ये 4 टेबलस्पून जो मक्खन के हैं ये भी डाल दूंगी। इसको बस हमने इतना सा गर्म करना है कि मक्खन ये मेल्ट हो जाए। मक्खन फ्रिज में रखा हुआ था तो ठंडा है काफ़ी, इसको पकाना नहीं है, बस मक्खन मेल्ट करने तक। ये देखिए पिघलना शुरू हो गया है।
बस इसको इतना गर्म नहीं करना है कि ये बिल्कुल पिघल जाए। केक का मेज़ा बिल्कुल तैयार है, वो सारा काम करके एंड पे हम इसे करेंगे, क्योंकि हम गर्म गर्म ही उसके अंदर डालेंगे। अब मेज़े के अंदर मेल्ट होना शुरू हो गया है मक्खन, ओवन भी गर्म है। देखिए मक्खन सारा मेल्ट हो चुका है। वनीला पाउडर मैंने अभी तक इसमें नहीं डाला था, आप चाहे तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। अब मैं वो भी डाल दूंगी और बस इसकी आग बंद कर देंगे। अब इसको मेज़े के अंदर मिक्स करेंगे। अब ये गरम गरम दूध ही मैं इसे मेज़े के अंदर शामिल कर दूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दूध भी मैंने उसी कप से नाप लिया था। खुशबू माशाल्लाह अभी से बड़ी अच्छी आ रही है इसकी, ये देखें। इसका मेज़ा ज़रा लिक्विड होता है, पतला पतला ही रहेगा। अब देखें इसमें गुठली कोई भी नहीं है। अब मैं इसे सांचे में डालूंगी। ये सांचा मैंने ग्रीस किया हुआ है और इसके नीचे मैंने बटर पेपर भी लगा दिया। मैं केक इसके अंदर डालूंगी मटेरियल। चले जब मैंने इसको सांचे में डाल दिया, सांचे में डालने के बाद अब इसको हल्का सा ऐसे ज़रूर क्या करें ताकि कोई एयर बबल्स अंदर हो तो वो निकल जाए। अब इसको मैं ओवन में रखूंगी। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसमें केक रख दूंगी। 160 पे मैंने इसको रखा है। इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे बेक होने में। केक हमारा माशाल्लाह बेक हो चुका है। देखें कितना अच्छा माशाल्लाह फूला है कि वो दरमियान में से फट फट के बाहर आ गया है। अभी बहुत मैंने अभी ओवन में से निकाला है। इसको तकरीबन पूरे 50 मिनट लगे हैं बेक होने में। आप अपने ओवन के हिसाब से करें तो चेक कर लिया करें दरमियान में स्टिक के साथ, इसको ऐसे साइडों से करके। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के बाद प्लेट में निकाल लूँगी। केक हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है, मैंने निकाल भी दिया। इसको मैं अब कटिंग करके दिखाती हूँ। इतना माशाल्लाह ये सॉफ्ट है, अभी भी काफ़ी गर्म है, धुएं नहीं कर रहे हैं इसमें से। ये देखें ना, अच्छा नरम, बिल्कुल सॉफ्ट है। बिल्कुल ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।